तो नमस्कार दोस्तों, जॉब गार स्टडी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम कंटिन्यू करेंगे, हम अपना चैप्टर जो हम कर रहे थे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, उसकी इंडक्टेंस से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं इंडक्टेंस के बारे में। तो देखिए, इंडक्टेंस के मतलब इंडक्टर के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, एन इंडक्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कंसिस्टिंग सिंपली ऑफ ए कॉइल ऑफ वायर। यानी कि इंडक्टर कुछ नहीं है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक की एक कंपोनेंट है जो कि वायर की इस तरह से कोइलिंग को कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से कोई भी वायर कोइल है तो आप समझ सकते हैं कि ये इंडक्टर है। तो देखिए फ्रेंड, जो इंडक्टर जो होती है, ठीक है, ये जो इंडक्टर होती है, कहाँ गई, देखिएगा, जो ये इंडक्टर होती है, ठीक है, ये जो कोइलिंग होती है वायर की, इसे कहा जाता है इंडक्टेंस। ठीक है, तो एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी इस इंडक्टर के थ्रू क्रॉस होती है, जिसके कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगती है। क्या होने लगती है? मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट इस, ये खुला वायर रहेगा, ठीक है, खुला वायर रहेगा, इसमें से कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी जब पास होगी तो इसमें क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगेगा। अगर जो इसमें करंट चेंज होने लगेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होने लगेगा। ठीक है, यानी कि इफ़ द करंट चेंजेस सो डज द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जिस तरह से करंट चेंज होगा उस तरह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है वो इंडक्टेंस की SI यूनिट, जिसे कहते हैं हेनरी, जिसे हम H से डिनोट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसे आप याद कर लीजिएगा। तो देखिए, इन अदर वर्ड, एन इंडक्टर कैन बी डिफाइन एज द एनर्जी स्टोरेज डिवाइस विच स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए, अदर वर्ड में इंडक्टर को कहा जाता है कि ये एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस है, ठीक है, जो कि एनर्जी को स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको मुझे बताने थे। ठीक है, तो देखिए, अब आगे हम बात करते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि हेनरी इसकी यूनिट है, ये आप याद रख लीजिएगा। और अदर फॉर्म में हम कहते हैं इंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, जो एनर्जी का स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। ठीक है, एंड कंडक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट हैज इंडक्टिव प्रॉपर्टी एंड मे बी रिगार्डेड एज इन द इंडक्टर बट इन ऑर्डर टू इनहेंस द इंडक्टिव। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट ये देता है। ठीक है गाइस, इंडक्टिव इफेक्ट, ए प्रैक्टिकल इंडक्टर इज यूजुअली फॉर्म्ड इनटू ए सिलिंड्रिकल कॉइल। देखिए, तो देखिए, प्रैक्टिकल के लिए जो हम इंडक्टर यूज करते हैं उसे बेसिकली सिलिंड्रिकल फॉर्म में बनाया जाता है। ठीक है, जो इसमें बहुत सारे टर्न होते हैं विथ मेनी टर्न्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर एज शोन इन द फिगर। तो चलिए हम देखते हैं इंडक्टर किस तरह से बनाया जाता है, हम यहाँ पे देखते हैं और कहाँ कहाँ उसकी यूजेज होती है उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में आजकल कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए हम एक भी चीज़ यहाँ पे छोड़ के नहीं जाएंगे, बेसिक से बेसिक चीज़ जानेंगे। देखिए, क्वेश्चन टफ नहीं आएगा, क्वेश्चन बहुत ही बेसिक से ही आएगा, ज़्यादा न्यूमेरिकल भी आपको नहीं पूछे जाएंगे बेसिक साइंस इंजीनियरिंग से। बस जितना मैंने कराया है आप बस उतना ही करिए। ठीक है, आप लोग सोचते होंगे कि बड़े बड़े यूट्यूबर को फॉलो करें, पर गाइस, हम भी अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग से ही हमने अपना यूट्यूब चैनल को बढ़ाया है। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आ रहा होगा। आप ये मत सोचिए कि ये तो नया यूट्यूब चैनल है, इसमें अच्छा से पढ़ाई नहीं होगा। गाइस, क्यों नहीं होगा, मैंने आपको वादा किया है कि मैं आपको बेसिक साइंस इंजीनियरिंग करा करके दूंगा, साथ ही साथ मैं आपको टॉप 30 क्वेश्चन भी करा के दे रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आपको यहाँ पर कोर्स कंप्लीट करके नहीं मिलेगा। ठीक है, सारा चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, ये मेरी वादा है आप सभी से। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा ये नया यूट्यूब चैनल है, तो दोस्तों YouTube चैनल बनता है किससे, आप सब से ही बनता है। तो आप सब जितना ज़्यादा प्यार देंगे उतना ज़्यादा हम ग्रो करेंगे, और हम भी आने वाले टाइम में आप लोग चाहेंगे तो हम भी बहुत आगे जा सकते हैं और आपको एजुकेशन बहुत अच्छी लेवल पे मिलने लगी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम। ठीक है, तो हम इंडक्टर के बारे में बात कर रहे थे। तो देखिए, एन इंडक्टर इज ए पैसिव एलिमेंट डिजाइन टू स्टोर एनर्जी इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए, इंडक्टर जो है वो पैसिव एलिमेंट की जो बनी रहती है, ठीक है, वो एक पैसिव एलिमेंट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करती है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, जिसके हमने आपको पहला बताया था। देखिए, इंडक्टर फाइंड न्यूमरस एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फील्ड। तो देखिए, इंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में बहुत सारा अपना योगदान देता है। ठीक है, उसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसा कि पावर सिस्टम, दे आर यूज इन पावर सप्लाई। देखिए, पावर सप्लाईज में यूज होते हैं, वो ट्रांसफार्मर में यूज होते हैं, रेडियोज़ में यूज होते हैं, टीवीज में यूज होते हैं, रडार में यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर में यूज होते हैं। तो देखिए, इस तरह के जो कॉइलिंग होती है उसे हम इंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे चीज़ों में यूज होती है, जैसा कि अभी अभी हमने देखा। तो देखिए, फिगर अब हम बात करें तो देखिए, यहाँ पे
एक क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो कटा हुआ है इसे हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये कोर मेटल का बना होता है, क्या का बना होता है, कोर मेटल का बना होता है। इसे क्रॉस सेक्शन एरिया को हम ए से डिनोट करते हैं, और इसकी जितनी बड़ी लेंथ है सिलेंड्रिकल की उसे हम एल से डिनोट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो ये जो डॉट 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 ऐसे करके जो दिया हुआ है, ये दोस्तों ये कोयलिंग है, यही है कोयलिंग, ठीक है, यानी कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में कोयलिंग किया गया है इसे, इसे ये है इंडक्टर, ठीक है, यही इंडक्टर वायरिंग, इसकी कोयलिंग, कोयलिंग है, देखिए एन इंडक्टर कोयल, तो एन इंडक्टर कोयल मतलब इंडक्टर की कोयलिंग यहाँ पे दिख रही है आपको इस तरह से, जो कोयलिंग हुई है यहाँ पे देखिए। और ये जितने सारे टर्न्स है इसे हम एन टर्न्स बोलते हैं, नंबर ऑफ एम टर्न्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ को, फिगर को आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको फिगर भी पूछ दिया जा सकता है, इसके बेसिक चीज़ के नाम पूछे जा सकते हैं, तो फिगर पे आप ध्यान दे दीजिएगा। मैंने आपको क्या बताया कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, ये जो कटा हुआ एरिया इसे कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसे ए से डिनोट करते हैं, ये बना होता है क्या से, कोर मेटल से, इसकी लेंथ एल से हम डिनोट करते हैं, और ये जितने सारे टर्न्स रहते हैं उसमें एम से डिनोट करते हैं, कभी कभी एन से भी डिनोट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आ गए हम और इम्पोर्टेंट टर्म पे, तो देखिए बेसिक जो बेसिक हम इंडक्टर को जो डिनोट करते हैं उसकी सिंबल यहाँ पे है। तो देखिए दोस्तों, आजकल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, मैंने आपको सिंबल के बारे में इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि ये सिंबल किस चीज़ का है, ये सिंबल किस चीज़ का है, तो मैंने आपको बताया था ये स्विच है, ये वन वे स्विच है, ठीक है। अगर जो इस तरह से आपकी रहेगी, ठीक है, इस तरह से आपकी रहेगी, तो ये क्या हो गया, ये टू वे स्विच हो गया, यानी कि कहीं से भी ऑफ कहीं से भी ऑन हो सकती है। तो स्विच पे और जितने सारे सिंबल है उस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आप कुछ भी नहीं सोच सकते। तो देखिए ये जो है, ये देखिए प्लस ये यहाँ पे प्लस पॉइंट है, यहाँ पे माइनस पॉइंट है, करंट हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव की तरफ जाती है, इसलिए देखिए यहाँ पे आई की डायरेक्शन ऐसे दी हुई, आई यानी कि करंट, ठीक है, एल है इसकी सेल्फ इंडक्टेंस को कहते हैं एल, और भी यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो देखिए गाइज, ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर हम यहाँ पर जान लेते हैं कि इंडक्टर की ग्रुपिंग किस तरह से होगी। तो देखिए ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर इन सीरीज इंडक्टर, तो देखिए सीरीज कनेक्शन में इंडक्टर की ग्रुपिंग किस तरह से होती है, तो दोस्तों इंडक्टर की ग्रुपिंग उसी तरह से होती है जिस तरह से रेजिस्टेंस की होती है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम इंडक्टेंस एल, इंडक्टेंस को हम एल से डिनोट करते हैं, तो इंडक्टेंस हम सीरीज में लेंगे तो लिखेंगे एल वन प्लस एल टू डॉट 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 जहाँ तक जाए, ठीक है गाइज। तो चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे हम देख लेते हैं, वैसे यहाँ पे ज़्यादा चीज़ आपको जानने की नहीं है, बट मैं देख लेता हूँ आपको क्या बतानी है। देखिए ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है हमें, बस आप इतना जान लीजिए कि सीरीज कनेक्शन में इंडक्टेंस की वैल्यू टोटल एल टोटल यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस एल को हम इंडक्टेंस को हम एल से डिनोट करते हैं, तो एल टोटल एल वन प्लस एल टू। देखिए इंडक्टेंस को आप रेजिस्टेंस से मिला सकते हैं बट पूरा तरह से नहीं मिलता, क्योंकि देखिए इसमें कुछ और अलग अलग चीज़ें, जब हम पैरेलल इंडक्टर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर केस अलग आ जाता है, ठीक है गाइस, यहाँ पर केस अलग आ जाती है। तो देखिए पैरेलल इंडक्टेंस की हम जब बात करते हैं तो एल टोटल हम किस तरह से निकालते हैं, तो देखिए एल टोटल निकालने के लिए हम जैसे कि रेजिस्टेंस में 1/R1 प्लस 1/R2 तो लेते ही थे, इसी तरह से हम एल टोटल में भी 1/L1 प्लस 1/L2 लेंगे, बट इसे 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। बस ये एक हल्का सा चेंजेस है जो आपको जानना है पैरेलल कनेक्शन में, हल्का यही डिफरेंस है, रेजिस्टेंस की तरह ही है बट हम इसे 1 से एक बार और डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म जान लेते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, अभी हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या है, देखिए इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, यानी कि चार्जेस की रेट ऑफ फ्लो, यानी कि किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस जा रही हो तो उसे हम कहेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए गाइस इलेक्ट्रिक करंट की हम बात कर रहे थे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट में हमने आपको क्या बताया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को कहता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जैसे कि सामने आप देख सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए पार्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, यानी कि किसी भी कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस जो रहेगी उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है गाइस। तो आगे एक और चीज़ जानते हैं हम जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं बात कर रहा हूँ कि उसकी करंट की फ़्लो किस तरह से होती है। तो देखिए करंट की फ़्लो जो होती है हायर पोटेंशियल से होती है लोअर पोटेंशियल की तरफ, जैसे कि हमने आपको बताया करंट जब भी फ्लो करती है कहाँ से, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी कि जिस जगह में ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है, उस तरह से उस साइड से लेकर के लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज ऑलवेज फ्रॉम रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, आपको इसमें से MCQs ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिए कि करंट की फ्लो किस तरह से होती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है, जैसा कि टेम्परेचर की तरह करंट होती है, टेम्परेचर में जैसा कि आपको पता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है।
तो देखिए आगे हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। तो देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट जब भी रहेगी अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो होगी हमेशा डायरेक्शन ऑफ करंट उसकी अपोजिट होगी, क्योंकि हमने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो रहेगी वो हमेशा रैंडमली बिहेव करती है, ठीक है, रैंडमली बिहेव करती है। चलिए मैं आपको ये अच्छे से समझाता हूँ ये वाला पॉइंट, ताकि आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखिए मैं बात करूँगी, ये सपोज कि एक कंडक्टर है, ठीक है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कुछ इस तरफ है, कुछ इस तरह, यानी कि सब रैंडमली है, ठीक है। बट जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जाता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। क्या होने लगती है? अट्रैक्ट होने लगती है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी ये इलेक्ट्रॉन इसके तरफ खींचे जाएगी, कैसे जाएगी, इसके तरफ खींची जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से पॉजिटिव जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बेसिकली नेगेटिव हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जब भी इलेक्ट्रिसिटी किसी कंडक्टर में लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर रहते हैं हमेशा इलेक्ट्रिसिटी के अपोजिट, पहले तो वो रैंडमली रहते हैं, बट इलेक्ट्रिसिटी जैसे करेंगे ये सारे इलेक्ट्रॉन घूम जाते हैं और जल्दी से इलेक्ट्रिसिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा अपोजिट रहती है, टू कैरी दे कैरी नेगेटिव चार्ज। जैसे कि हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होती है, वो हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करने लगते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा मैंने आपको क्या बताया कि कंडक्टर है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन रैंडमली होते हैं, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, बट जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी होता है तो हमने आपको बताया कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो जब नेगेटिव चार्जेस रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिसिटी की तरफ अपोजिटली जाता है, यानी कि ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, यानी कि कोई भी चीज़ रहेगा हमेशा हायर पोटेंशियल की तरफ जाना चाहेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिव चार्ज है, ये हमेशा हायर पोटेंशियल की तरफ जाती है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा अपोजिट रहती है। तो इलेक्ट्रिक करंट हमने जानना, अब उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए ये सब चीज़ पे आप ध्यान में दीजिए, मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये है इलेक्ट्रिक की फार्मूला, इलेक्ट्रिक करंट की फार्मूला, यानी कि करंट हमेशा बराबर रहेगा चार्ज बाई टाइम के, ठीक है, क्या के चार्ज बाई चार्ज बाई टाइम के, क्यू इज इक्वल आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। तो ये आप याद रखें। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक वोल्टेज के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इलेक्ट्रिक वोल्टेज कुछ नहीं है दोस्तों, इलेक्ट्रिक वोल्टेज क्या है, वोल्टेज क्या है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बाकी ये सारे में यही चीज़ दिया गया है, आप इसे पॉज करके इसे रीड कर सकते हैं, आप इसे पॉज करके रीड कर लीजिएगा, मैं जो जो इंपॉर्टेंट टर्म है बस वही आपको मैं बताऊंगा। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जैसे कि आपको पता है ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि V है यहाँ पे क्या वोल्टेज, तो वोल्टेज बराबर होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस के, ओम्स लॉ से हम ये निकाल पाते हैं, ठीक है। तो अब हम जानते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका नाम है RMS वोल्टेज। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये RMS वोल्टेज की, तो इसे हम थोड़ा देखते हैं। तो दोस्तों RMS का मतलब होता है, RMS वोल्टेज इक्वेशन के बारे में हम बात कर रहे थे, तो RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, यानी कि क्या यहाँ पे रूट निकाला जाता है कितना, 1/√2 की 2 बार। तो दोस्तों इसका जो वैल्यू आता है वो आता है 0.7071, तो इस वैल्यू को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो RMS वोल्टेज किस तरह से निकालते थे, तो देखिए सिनुसोइडल वेब फॉर्म की जब हम RMS वैल्यू निकालते हैं तो 0.7071, तो देखिए क्या करते हैं हम यहाँ पे, देखिए पिक वोल्टेज को 0.7071 से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें वी RMS निकल जाता है, यानी कि RMS वोल्टेज इक्वेशन, यहाँ पे देखिए वी वोल्टेज है और यहाँ पे RMS है, तो यहाँ पे पिक वोल्टेज यानी कि वी एम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या से, 1/√2 से, ठीक है, जिसका वैल्यू आ जाता है क्या 0.7071/√2 की वैल्यू है। तो देखिए विच इज सेम एज द डिवाइडेड बाई द स्क्वायर रूट ऑफ द टू, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ द टू 1/√2 के स्क्वायर रूट करते हैं। तो द RMS वोल्टेज विच कैन ऑल्सो भी रिफर द इफेक्टिव वैल्यू डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेब फॉर्म। तो देखिए RMS वोल्टेज किस पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेब फॉर्म पे, वेब की फॉर्म पे ये डिपेंड करती है, ठीक है, एंड इज नॉट ए फंक्शन ऑफ आइदर द वेब फॉर्म फ्रिक्वेंसी और इट्स फेज, यानी कि फेज एंगल और फ्रिक्वेंसी से उसे कोई मतलब नहीं, बस वो उसकी क्या मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। तो अब हम जानते हैं बेसिक सर्किट के बारे में, ठीक है, बेसिक सर्किट अब हम जान लेते हैं कि बेसिक सर्किट किस किस तरह के होते हैं। तो देखिए बेसिक सर्किट सामने में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए सिंपल सर्किट हैज ए सेल प्रोवाइडिंग करंट, यानी कि एक जो सिंपल सर्किट होती है उसमें सेल कनेक्टेड रहती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। तो देखिए बेसिक सर्किट में क्या होती है, बेसिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट होती है, क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट कब होगी, जब स्विच ऑन रहेगी अलोंग ए पाथ, यानी कि पाथ मतलब रास्ता, तो रास्ता किससे बनेगी, वायर से बनेगी,
टू ए लोड, तो लोड है, देखिए लोड क्या होती है, रजिस्टर होती है, एंड बैक टू द अदर एंड ऑफ द सेल एज शोन इन द फिगर। यानी कि देखिए यहाँ पे ये सेल लगी हुई है, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं ये जो बैटरी जो हमारे टॉर्च वगैरह में लगते हैं, रिमोट वगैरह में लगते हैं, तो वैसा बैटरी यहाँ पे सेल दिया गया है। तो देखिए सेल जो एक छोटा सा होता है उसे सेल कहते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को बैटरी कहते हैं। तो हम कभी भी ये नहीं कहेंगे दुकान में जाकर कि सर हमें बैटरी लाइए, हमें टॉर्च वाली बैटरी लाइए, तो बैटरी नहीं कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। क्योंकि एक सिंगल को कहते हैं सेल और कॉम्बिनेशन को कहते हैं बैटरी। तो यहाँ पे देखिए और जो टॉर्च में आप तीन चार सेल लगा लिए तब कहेंगे कि ये देखिए मेरे पास बैटरी है, बैटरी तब कहेंगे जब आपके पास एक से ज़्यादा रहे, ठीक है, लेकिन सेल कहेंगे अगर जो सिंगल एक लेना है आपको। तो देखिए सेल की हम बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे है इसकी पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, यहाँ पे स्विच लगी हुई है, ये स्विच को जब ये स्विच ऑन होगी तो इधर सट जाएगी, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस कर गई। यहाँ से जो नेगेटिव टर्मिनल एंड है ये यहाँ पे बल्ब लगी हुई है, लोड यानी कि बल्ब लगी हुई है, ठीक है, तो ये जो बल्ब लगी हुई है ये बल्ब ग्लो करेगी, जब यहाँ से स्विच ऑन होगी तो सर्किट पूरा हो जाएगा। अब देखिए बी में देखिए आप, ठीक है, तो बिल में देखिए यहाँ पे सेल लगी हुई है जिस तरह से हम डिफाइन करते हैं, ये है आपका बेसिक जितना आप देखते हैं प्रैक्टिकली, बट ये है इंटरनल जो हम ड्राइंग के बेसिस पे बताते हैं, ठीक है, जो हमारा डायग्राम बनता है किसी भी सर्किट डायग्राम इस बेसिस में बनता है। तो देखिए ये जो कंडक्टर वायर है ये क्या है, वायर है, यहाँ पे बल्ब लगी हुई है, यहाँ पे स्विच लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे स्विच लगी हुई है, क्या है, वन वे स्विच है, और यहाँ पे देखिए सेल लगी हुई है। तो यहाँ पे अब जब आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो करंट लगी हुई है पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ से जाएगी और यहाँ पे बल्ब आएगी, और ये बल्ब की एक और यहाँ पे स्विच है, जब यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल वाला स्विच यहाँ से ऑन होगा तब ये बल्ब ग्लो कर जाएगी। तो ये थे बेसिक सर्किट के बारे में जो कि आपने यहाँ पे जाना, अब यहाँ पे कुछ और नहीं जानना, अब हम शॉर्ट सर्किट के बारे में जानेंगे कि शॉर्ट सर्किट कब होता है और क्यों होता है। तो देखिए शॉर्ट सर्किट, इन ए शॉर्ट सर्किट देयर इज नो लोड, तो देखिए शॉर्ट सर्किट में लोड नहीं होती है, फॉर मेनी रीजन द वायर इज इन ए सर्किट कैन फाइंड ए शॉर्टकट, ठीक है, यानी कि शॉर्टकट इसमें बनाया जाता है। शॉर्ट सर्किट कब कहा जाएगा दोस्तों, जब उस वायर में वायर जो होती है शॉर्टकट ढूंढने लगती है, यानी कि करंट क्या होती है शॉर्टकट ढूंढने लगती है। तो देखिए ए शॉर्ट सर्किट देर इज़ नो लोड, यानी कि लोड यानी कि बल्ब कुछ नहीं होते, फॉर मेनी रीजन द वायर इज वायर इन ए सर्किट कैन ए शॉर्टकट बाय पासिंग द लोड एंड अदर कंपोनेंट, दिस कॉज द सेम वोल्टेज फ्रॉम द सेल टू फ्लो टू द अदर एंड ऑफ द सेल, व्हेन दिस हैपन द हाई वोल्टेज कॉज द वायर टू हीट अप एंड कैच फायर। तो देखिए शॉर्ट सर्किट क्या होती है, तो शॉर्ट सर्किट में क्या कहा जाता है कि इसमें लोड नहीं होती, यानी कि आप जितना इलेक्ट्रिसिटी जितना आप वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो वोल्टेज उस बल्ब के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण, यानी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है ये निगेटिव टर्मिनल है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जब पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से जब यहाँ से करंट फ्लो करती है, किसके लिए, ये लोड के हिसाब से ना यहाँ पे करंट फ्लो करेगी कि इसे कितना लोड चाहिए। बट कभी कभी क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट हो जाती है, शॉर्ट सर्किट के मतलब कि सर्किट छोटा हो जाता है, क्या हो जाता है, सर्किट छोटा हो जाता है। अब यहाँ से इसे यहाँ से फ्लो करके निगेटिव टर्मिनल यहाँ से आना चाहिए था, बट क्या होता है कि वायर यहाँ से बाईपास कर देती है, ठीक है, यहाँ से वायर जुड़ जाती है। जब वायर यहाँ से जुड़ जाती है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस पर किसी तरह की लोड नहीं जा रही है, इस पर किसी तरह की लोड नहीं जा रही, तो जितना अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से निकल रही है सेम उतना अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे आ रही है। इसके कारण क्या होता है कि ये सर्किट के जो वायर रहते हैं, क्योंकि लोड देखिए जितना भी करंट फ्लो कर रहा है वो लोड के लिए फ्लो करती है तब वो सर्किट अच्छे से चलती है, बट यहाँ पे लोड काम ही नहीं कर रहा है तो वायर पे उतने सारे करंट जाएंगे, तो वायर जो रहती है वो वायर क्या हो जाती है, हीटअप होने लगती है, हीटअप होने लगती है और कभी कभी इसमें आग लग जाती है। इसलिए आग लग जाता है, क्यों लग जाता है, क्योंकि इसमें लोड नहीं होती है। तो ये चलिए मैं आपको फिर से यहाँ पर समझा देता हूँ, थोड़ा सा नीचे हो गया, हाँ, तो देखिए हम शॉर्ट सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है गाइस। तो इसमें शॉर्ट सर्किट का मतलब इसका मीनिंग में ही है, शॉर्ट सर्किट यानी कि छोटा सर्किट, तो सर्किट क्या हो जाता है छोटा। तो देखिए यहाँ पे जो लोड लगी हुई है सम टाइम जो वायर जो रहती है बाईपास कर देती है एक दूसरा को, यानी कि इस लोड में वायर नहीं जा रही है डायरेक्ट यहाँ से चले जा रही है। तो इसमें शॉर्ट सर्किट क्यों होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल जो है, पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस होगी वो लोड के लिए होती है, यानी कि इस लोड को जितना अमाउंट ऑफ वोल्टेज चाहिए वो ये बैटरी प्रोवाइड कर रही है। बट यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ से वायर यहाँ से अटैच हो गई, सर्किट छोटा हो गया, तो इस लोड तक करंट नहीं पहुँच पा रही है, करंट नहीं पहुँच पा रही, करंट यहाँ से ही जा करके वापस चल जा रही। तो इस केस में जब इतना अमाउंट ऑफ वोल्टेज जो इस सर्किट से निकल रही है सेम वही अमाउंट ऑफ वोल्टेज इस पर आ जा रही है, तो इसके कारण क्या हो जाती है, वायर हीट हो जाती है, क्योंकि जितना भी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से निकल रहा है, जितना भी अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से निकल रहा है इस लोड के लिए निकल रहा है, बट इस लोड को नहीं
नहीं मिल पा रहा है तो लोड तो बहुत ज़्यादा हो गया, इस क्योंकि लोड को नहीं मिल रहा है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी यहाँ पे वापस आती है तो ये इसे नहीं ले पाता है। इसके कारण वायर जो होती है क्या हो जाती है, बिना लोड के कारण वायर हीट हो जाती है, क्योंकि वायर पे लोड पड़ रहा है, वायर पे लोड पड़ रहा है तो वायर हीट हो जाती है, और वायर समटाइम क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, यानी कि वायर जल जाती है। तो इसे कहा जाता है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो ये था शॉर्ट सर्किट। तो देखिए, एरो शो डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो, और यहाँ पे है नोटिस हाउ द करंट मेक शॉर्टकट बाय पासिंग द गे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगा कि शॉर्ट सर्किट किसके कारण होता है, लोड नहीं होने के कारण शॉर्ट सर्किट होती है, जिसके कारण वो लोड पे उतना अमाउंट ऑफ करंट नहीं जा पाता, उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं जा पाता है, जिसके कारण वायर पे उतना सारा लोड पड़ जाता है, उसके बाद वायर उतना लोड नहीं सह पाती है तो वायर हीट हो जाती है और समटाइम जल जाती है। ठीक है, इसलिए कॉपर वायर की यूज़ की जाती है, कॉपर वायर बहुत टाइम तक टॉलरेंस कर पाती है। ठीक है, अल्मोनियम वायर जल के राख हो जाती है। तो चलिए अब देखते हैं व्हाई देयर कुड बी शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट क्यों होती है उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, बट यहाँ पे देखिए पॉइंट है जो कि आपके एग्जामिनेशन में सेम टू सेम पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए व्हाई देयर कुड बी शॉर्ट सर्किट, तो देखिए वायर में लूज देयर इंसुलेशन एंड टच ईच अदर इन द सर्किट। देखिए वायर की, वायर में जो इंसुलेशन, जैसे कि हमने क्या बताया कि शॉर्ट सर्किट हो जाती है, यहाँ पे बल्ब जो लगी हुई यहाँ पे, तो यहाँ पे सपोज कि ये दो वायर सटी सटी आ रही है। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपके घर में इस तरह से वायर जो होती है, ठीक है, और यहाँ पे जो बल्ब कनेक्टेड है, तो समटाइम क्या होती है कि इसके जो इंसुलेशन की जाती है, ठीक है, प्लास्टिक से जो इंसुलेशन की जाती है या फिर रबर से, तो समटाइम इसकी इंसुलेशन छूट जाती है, इसकी भी इंसुलेशन हट जाती है, तो दोनों वायर क्या हो जाएगा, दोनों वायर टच हो जाएगा। तो जब दोनों वायर टच हो जाएगा दोस्तों, तो ये लोड तो नहीं ले पा रही है ना, उतना करंट, उतना अमाउंट ये लोड नहीं ले पा रही है, तो इस पर अब क्या हो गया, यहाँ से सर्किट ख़त्म। अब जस्ट ये वायर पर करंट फ्लो कर रही है, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो पॉजिटिव निगेटिव की अटैचमेंट हो जा रही है, उसके कारण यहाँ पर लोड उतना नहीं ले पा रहा है। ठीक है, लोड लेने के लिए ऐसा कुछ लोड नहीं यहाँ पर अटैच है, इसके कारण दोनों वायर के बीच में क्या हो जाता है, हीटअप होने लगता है, ये वायर जल जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो देखिए, देयर कुड बी फॉल्ट इन ए डिवाइस, यानी कि जो डिवाइस हो वो खराब, सपोज कि जो हमने यहाँ पे बल्ब लगाया, ये बल्ब सही से काम नहीं कर रहा, इसकी बस दोनों एंड जुड़ी हुई हो, तो ये भी वायर की तरह ही काम कर जाएगा। तो देखिए, इंटेंशनली कनेक्टिंग बोथ एंड ऑफ द सेल बैटरी विथ वायर्स, दिस कॉज ए मैसिव ड्रेन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड बैटरी लूज इट्स पावर इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, यानी कि अगर जो दोनों एंड में अच्छे से बैटरी या फिर सेल को कनेक्टेड नहीं रहेगी वायर के साथ, तो बहुत सारे पावर आप लूज कर देंगे। ठीक है, बहुत कम टाइम में। तो देखिए, शॉर्ट सर्किट कैन यूज बाय हीटिंग एंड मेल्टिंग, चलिए फिर से देखते हैं। देखिए, शॉर्ट सर्किट कैन कॉज हीटिंग एंड मेल्टिंग ऑफ द वायर, हार्मफुल स्मोक एंड स्मेल एंड ब्लाइंडिंग लाइट ड्यूरिंग वेल्डिंग। तो देखिए, वेल्डिंग करने के दौरान ब्लाइंडिंग लाइट भी देती है, और जैसे कि हमने बताया कि हीटिंग होने लगती है और मेल्ट पिघल जाए, आपको आपने कितना बार देखा होगा कि वायर जल के पिघल जाती है। ठीक है, और हार्मफुल स्मोक भी देती है, बहुत गंदे गंदे स्मेल भी आते हैं। ठीक है, तो इससे आप थोड़ा दूर रहें, थोड़ा ध्यान से कुछ भी काम करें। अब देखिए, हम सर्किट प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सर्किट प्रोटेक्शन के बारे में। तो सर्किट प्रोटेक्शन क्या, देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन होम, कार, एरोप्लेन एंड अदर कॉम्प्लेक्स मशीन आर प्रोटेक्टेड विद द हायर वोल्टेज देन द वायर आर डिजाइन टू टेक, अदरवाइज द डिवाइस कैन ब्रेक एंड इवन कैच फायर। यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो कार में, होम में, एरोप्लेन में और अदर कॉम्प्लेक्स मशीन जो होते हैं, वो हायर वोल्टेज को इंटेक कर पाए, यानी कि हायर वायर जो है उसे अच्छे से इंटेक कर पाए, नहीं तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, डिवाइस कैन ब्रेक द इवन कैच फायर, यानी कि डिवाइस ब्रेक हो जाएगी या फिर वो फायर कैच करे। इन रियल लाइफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इट इज़ पॉसिबल दैट वायर कंडक्टर लूज देयर इंसुलेशन एंड कम इनटू कांटेक्ट विद द ग्राउंड। और देखिए, तो जैसे कि हमने आपको बताया कि होम में जो यूज होती है, तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि इंसुलेशन छूटने के कारण दोनों के बीच में शॉर्ट सर्किटिंग होने लगता है। तो अदर, अब यहाँ पे देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म है, अदर कंडक्टर्स, इफ़ दैट हैपन द वोल्टेज इन द वायर विल हैव नो रजिस्टर, यानी कि वो रजिस्टर नहीं रहेगी, और जो उस रजिस्टर में, वायर में रजिस्टर नहीं लगी रहेगी, तो वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा जा सकता है। तो देखिए, एंड सेम हाई वोल्टेज विल रिटर्न टू द सेम सोर्स, जैसे कि हमने आपको बताया कि लोड नहीं रहेगी तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जो वोल्टेज रहेगी, वो रिटर्न हो जाएगी उसी पावर के सोर्स में, जिसके कारण शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए। दिस कैन रिजल्ट इन ओवर हीटिंग, जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, हर चीज़ बता रखा है, ये सारी चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हम लास्ट अपने टर्म पे आते हैं, जिसका नाम है फ्यूज़। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्यूज़ के बारे में आपको जानना है। जैसे कि आपको पता होगा कि फ्यूज़ क्या है, आप अपने घर में जा करके देखिएगा, आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड लगी हुई है उसमें देखिए एक स्विच होगी, स्विच जैसे ही होती है, जैसे कि आपको पता होगा, बेसिकली जो प्लग होते हैं, 5-pin प्लग होते हैं, स्विच होते हैं, स्विच तो आप समझ रहे होंगे, प्लग जिसमें आप मोबाइल चार्जर लगाते हैं, उसके बाद
जो रेड कलर की लाइट के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, जो बोर्ड पे करंट फ्लो रही है उसके लिए जो लाइट लगाई जाती है, साथ ही साथ एक छोटा सा वहाँ में फ्यूज़ लगाया होता है। कभी कभी आप उसे पकड़ के खींच के देखिएगा तो आप देखेंगे उसके दोनों एंड को वायर से जोड़ा रहेगा, कोई बहुत ही पतला सा वायर से जोड़ा रहता है। तो जो वो पतला सा वायर से जोड़ा रहता है उसके बारे में हम बात करें, उसे ही कहा जाता है फ्यूज़। तो देखिए फ्यूज़ में क्या होता है, बहुत ही वो जो पतला सा वायर जो लगा रहता है वो एलॉय की बनी रहती है, ठीक है, बहुत ही पतला सा। तो देखिए ए फ्यूज इज ए सिंपली स्ट्रिप ऑफ ए एलॉय वायर मेड ऑफ बिस्मुथ एंड टिन। देखिए तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्यूज़ के बीच में जो वायर रहते हैं वो किस चीज़ के बनी रहती है, तो आप बोलेंगे बेसिकली जो अच्छे फ्यूज़ होते हैं उसमें बिस्मुथ और टिन के बने रहते हैं। विच इज़ कनेक्टेड टू द सर्किट, द फ्यूज इज यूजली डिजाइन टू टेक ए स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज। फॉर एग्जाम्पल इन 3 एम्पियर फ्यूज इज फिक्स इन टू अ सर्किट, इट कैन नॉट टेक एनी अदर मोर देन 3 एम्पियर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इफ फॉर एनी रीजन देर इज अ सर्ज और इंक्रीज इन द वोल्टेज द फ्यूज विज मेल्ट इमिडिएटली एंड ब्रेक। दिस विल स्टॉप द फ्लो ऑफ, यानी कि दिस विल स्टॉप द फ्लो ऑफ हाई वोल्टेज एंड प्रिवेंट एनी पोटेंशियल डैमेज टू द सर्किट। तो देखिए ये थे फ्यूज के बारे में, तो हमने फ्यूज के बारे में आपको बता दिया, अब मैं समझाता हूँ। तो देखिए फ्यूज जो रहती है इसकी दोनों एंड जो रहती है, ठीक है, इसकी जो दोनों एंड रहती है इसमें वायर से जुड़ी रहती है। तो देखिए किसी भी सर्किट में ये जो फ्यूज जो जोड़ा रहता है किसी एक सर्किट में, सपोज पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये किसी जैसे आप स्विच को एक टर्मिनल में लगाते हैं उसी तरह से फ्यूज को भी आप एक टर्मिनल में लगाते हैं। तो देखिए सपोज कि आपको इस पूरे सर्किट में, ठीक है, ये फ्यूज एक बहुत ही अच्छा इन्वेंशन है दोस्तों साइंस में, जिसे मैं मानता हूँ कि बहुत ही अच्छी इन्वेंशन है। तो देखिए फ्यूज जो लगी रहती है इससे क्या होता है कि सपोज कि सर्किट में आपको 3 एम्पियर, ठीक है, 3 एम्पियर की करंट फ्लो करवानी है। तो देखिए ये फ्यूज जो रहेगी, ये फ्यूज को ऐसा डिजाइन किया जाएगा कि फ्यूज बस 3 एम्पियर की करंट ही यहाँ पे लेप के जा पा रही है, ठीक है। बट अब ऐसा सिचुएशन आएगा कि कभी कभी वोल्टेज पीक वोल्टेज हाई हो, आपको पता है कभी कभी बहुत ज़्यादा वोल्टेज हो जाती है, कभी कभी बहुत कम वोल्टेज हो जाती है। कब सपोज कि कभी ऐसा सिचुएशन आया कि बहुत ज़्यादा, सपोज कि 6 एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे फ्लो होने लगी, तो जब 6 एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगी लेकिन ये जो वायर है ये 3 एम्पियर की सहन कर पाती है, तो क्या होगा कि देखिए ये जो फ्यूज़ जो लगाई रहती है स्टार्टिंग में लगाई रहती है और यहाँ से लगा रहता है क्या जो सर्किट यहाँ पे बनाए रहते हैं, यानी कि ये जो वायर यहाँ से आता है इससे सर्किट बनाया जाता है। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी 3 एम्पियर जाती है तो ये सही से फ्यूज काम करता है, फिर यहाँ से आकर के यहाँ पे सर्किट यहाँ पे आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। बट दोस्तों यहाँ पे जब 6 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी तो ये जो फ्यूज होगी, ये फ्यूज की जो वायर जो टीन और बिस्मत की बनी रहती है, ये क्या होगी, हीट हो जाएगी, ओवर हीट हो जाएगी, जिसके आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वोल्टेज जब फ्लो करती है लोड नहीं रहता है तो वो क्या होता है जल जाते हैं, हीटिंग होने लगती है, ये भी जल जाएगी और ये क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, जल जाएगी और क्या हो जाएगी, ये ब्रेक हो जाएगी। तो ये ब्रेक होने के कारण तो जितने सारे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देखिए 3 एम्पियर की सपोज कि 4 एम्पियर तक ये प्रोस कर पाएगी, लेकिन 5-6 एम्पियर जितना जितना इलेक्ट्रिसिटी बढ़ते जाएगा ये इसकी सहन नहीं कर पाएगी, ये फ्यूज ब्रेक हो जाएगा। तो जब ये ब्रेक हो जाएगा दोस्तों तो मतलब कि क्या हो गया, ये जब ब्रेक हो गया तो इसका मतलब हुआ कि आपकी यहाँ की क्या हो गई, यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस नहीं करेगी, क्या होगी, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस नहीं करेगी और आपकी ये जो सर्किट जो है दोस्तों, ठीक है, आपकी ये जो सर्किट है ये सर्किट आपकी क्या हो जाएगी, सर्किट आपकी बच जाएगी, ठीक है। तो सर्किट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जब सर्किट आपका यहाँ पे बच जाएगा तो क्या हो जाएगा, किसी तरह की अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस सर्किट में नहीं जा पाएगी, सर्किट आपकी अच्छे से बच जाएगी, आपको किसी तरह के नुकसान नहीं होगा। तो फ्यूज़ का ये फ़ायदा होता है दोस्तों कि फ्यूज़ में जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहती है फ्यूज़ में, तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब ज़्यादा जाती है तो फ्यूज़ ब्रेक हो जाती है, जिसके कारण हमारा पूरा सर्किट बच जाता है। तो फ्यूज़ बहुत ही अच्छा इन्वेंशन है साइंस के फील्ड में। तो दोस्तों ये थे हमारे बेसिक साइंस एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो उम्मीद है आपको अच्छे से पसंद आएगा, आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा। तो ये था अंत वीडियो, अब इसके बाद हम टॉप 30 क्वेश्चन आपको कराएंगे जल्दी। तो चलिए, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को इनेबल कर दें ताकि मैं जब भी वीडियोस डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है गाइस। और एक और न्यूज़ है आप सभी के कि बेसिक जो एलपी टेक्नीशियन के रिवाइज रिजल्ट निकली है, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट गैदर हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट की सिलेक्शन हुई है, ठीक है। पहले टोटल 5 लाख स्टूडेंट हुए थे, बट अब एडिशनल 7 लाख स्टूडेंट और, यानी कि अब टोटल कम, पहले आपके 5 लाख स्टूडेंट में लड़ना था बट अब आपको 13 लाख स्टूडेंट में लड़ना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। 60,000 वैकेंसी प्लस 13 लाख की लड़ाई, तो देख लीजिए आप, किसी किसी जोन में बहुत ज़्यादा लड़ाई होगी, तो आप अपने पढ़ाई पे बस ध्यान दीजिए, कोशिश करिए कि आपको 70+ आए, ठीक है। 70+ आएंगे तो ही आप अपनी सीट रिजर्व कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए
ये था आज के वीडियो में, हम तो 30 क्वेश्चन जल्द करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और मैथ्स की जितनी भी वीडियो चाहिए दोस्तों, मैथ्स की वीडियो आपको मिल रही है हमारे दूसरे चैनल में, जो कि आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मैथ्स की टाइम एंड डिस्टेंस वहाँ पर स्टार्ट हो गई, ऊपर ही है, क्योंकि देखिएगा टाइम एंड डिस्टेंस पर ALP स्टेज 1 में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे उस चैप्टर से। तो अब देखिए सेम बहुत ईजी मेथड है, वही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।